अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। आज की प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है वो मुख्य रूप से संसद के मानसून सत्र 2023 पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई है। जिस प्रकार का घटनाक्रम वहां पर हुआ उस घटनाक्रम से देश की जनता को अवगत कराने के लिए आज की प्रेस वार्ता रखी गई थी। मानसून का अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस सत्र में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 25 विधेयक दोनों सदनों में पेश करवाए गए। उनमें से 23 विधेयक दोनों ही सदनों में पास कर दिए गए। 20 नए कानून लाए गए और वे सभी कानून ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी जी के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के दृष्टिकोण को सुनिश्चित करने वाले थे। हिंसा को लेकर आप अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध लेकर आए थे, जो विपक्ष का घमंडिया गठबंधन उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आया था, जो घमंडिया गठबंधन लगातार पहले दिन से इस बात की मांग कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर हिंसा पर अपना वक्तव्य दे, और जब प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य देने की बारी आई और अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने की बारी आई तो ये घमंडिया गठबंधन अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर वहां से वॉकआउट कर गया। नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो विपक्ष का ही फ्लोर टेस्ट है कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में कितना खड़ा रहता है और टिका रहता है। उन्होंने बताया कि अविश्वास प्रस्ताव को बार बार लाने की आवश्यकता इन्हें क्यों पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि उनके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं वो केवल नरेंद्र मोदी नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इस देश की 135 करोड़ जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। प्रधानमंत्री जी के बारे में जब अनर्गल टिप्पणियां की तो इस मामले को भी लोकसभा के अध्यक्ष जी ने गंभीरता से लिया और उन्हें भी सदन से निलंबित किया गया। इसी प्रकार का एक मामला राजधानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा करते हुए सामने आया। जब राज्यसभा से आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने चयन समिति के सदस्य के रूप में ऐसे सांसदों के नाम दे दिए जिनकी सहमति ही प्राप्त नहीं की गई थी, 5 सदस्यों ने स्वयं राज्यसभा में खड़े होकर सभापति के सामने यह आपत्ति ली कि चयन समिति के सदस्य के रूप में उनके नाम का प्रस्ताव रखने के पहले उनसे सहमति नहीं ली गई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निवेदन किया। कुछ सदस्यों ने तो
विशेष अधिकार हनन का नोटिस राघव चड्ढा को देने की बात तक कही। विपक्ष के घमंडिया गठबंधन को केवल सत्ता की भूख है, वो किसी भी स्थिति में नरेंद्र मोदी जी की जो संवेदनहीनता का खेल, जो तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का खेल खेल रहा था, वो जनता के सामने पूरी तरह से उजागर हो गया। विपक्ष का घमंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। उस अविश्वास प्रस्ताव पर 59 सांसदों ने बहस की, अपने अपने विचार रखे। नरेंद्र मोदी जी को जिस दिन उस अविश्वास प्रस्ताव पर अपना जवाब प्रस्तुत करना था, उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े भाषणों में से एक भाषण देते हुए लगभग 2.25 घंटे अविश्वास प्रस्ताव पर बोला। देश में जो घटनाएं हो रही है, उन घटनाओं के संबंध में अपना वक्तव्य दिया। वहां पर विपक्ष नरेंद्र मोदी जी से मणिपुर हिंसा के संबंध में प्रश्न पूछ सकता था। वहां पर विपक्ष मणिपुर हिंसा को कैसे रोका जाए, उन उपायों को प्रधानमंत्री जी को की ओर सुझाव भेज सकता था। परंतु प्रधानमंत्री जी के भाषण में भी लगातार वो व्यवधान पैदा करते रहे। प्रधानमंत्री जी को वो सदन में नहीं बोलने देना चाहते थे, प्रधानमंत्री जी के भाषण को नियंत्रित करना चाहते थे। प्रधानमंत्री जी के भाषण को खत्म होने का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और प्रधानमंत्री जी का भाषण पूर्ण होने के पहले ही वो अपने ही अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर सदन से वॉकआउट कर गए। ये किस प्रकार का अविश्वास प्रस्ताव है कि जिन मुद्दों को लेकर जिन मणि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि उन्हें अपने सत्ता में आने के की जो भूख है, विपक्ष को उसकी चिंता है। विपक्ष को गरीब की भूख की कोई चिंता नहीं है और प्रधानमंत्री जी ने देश को इस बात से भी अवगत कराया कि जो विपक्ष का घटिया और घमंडिया गठबंधन है, वो गठबंधन लगातार 13 बार से इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि जो प्रोडक्ट उनका विफल हो गया है वो किसी न किसी तरह से मार्केट में चल जाए। परंतु जनता इस बात को जानती है कि वो जिन्हें प्रधानमंत्री के लिए प्रस्तावित करते हैं वो कितने गैर जिम्मेदार हैं, कितने लापरवाह हैं, सदन में उनका आचरण क्या होना चाहिए यह भी उन्हें नहीं मालूम। विपक्ष के घमंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर आकर बोलते हैं, परंतु जब उनकी बात पर जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित होते हैं तो राहुल गांधी स्वयं सदन से अनुपस्थित रहते हैं। ये इनका आचरण, ये इनका व्यवहार और ये इनकी कार्यशैली है जो पूरी तरह से गैर जिम्मेदार है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
सरकार संशोधन विधेयक 2023 आया और इसने पुराने विधेयक पुराने कानून में संशोधन करने का काम किया। इस विधेयक पर चर्चा करते हुए देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक घंटे से भी ज्यादा का अपना भाषण दिया। उस भाषण के दौरान भी लगातार विपक्ष के नेता कांग्रेस के सांसद श्री अधीर रंजन चौधरी लगातार रोक टोक करते रहे। वो नहीं चाहते थे कि देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का वक्तव्य उनका भाषण सदन में पूर्ण हो। और जब अविश्वास प्रस्ताव पर माननीय गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी बोलने पर खड़े हुए तो उन्होंने भी इतिहास का सबसे बड़ा भाषण देते हुए 2 घंटे 20 मिनट तक अपनी बात को रखा। विपक्ष लगातार टिप्पणियां करता रहा। विपक्ष का घमंडिया गठबंधन लगातार नारेबाजी करता रहा। किसी ने गृह मंत्री जी की बात को सुनने की गंभीरता नहीं दिखाई। गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया कि किस प्रकार से मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए वहां के डीजीपी को चेंज कर दिया गया, वहां पर अनेक जिले के एसपी को हटाया गया, किस प्रकार से सशस्त्र सैनिकों को मणिपुर भेजा गया और मणिपुर की जनता की सुरक्षा के लिए जो जो उपाय उन्होंने बताए वो सब उपाय पर विपक्ष को चर्चा करनी चाहिए थी, परंतु विपक्ष लगातार व्यवधान पैदा करता रहा। मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए जो भी सुरक्षा इंतजाम करने थे उनके बारे में बहुत विस्तार से गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में बताया। साथ ही मणिपुर की जनता के लिए 30,000 मैट्रिक टन अनाज आवंटित किया गया ताकि इस भीषण आगजनी और हिंसा के बीच में भी मणिपुर का कोई व्यक्ति भूख के अभाव में भूख के कारण प्रभावित न हो। इनसे दिखाई दे रही थी मानसून सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व ही पता चल चुका था कि विपक्ष का जो घमंडिया गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन सदन को नहीं चलने देना चाहता है। अनेक प्रकार की तरकीबें उन्होंने व्यवधान पैदा करने के लिए लगाई। शोरगुल करना, नारेबाजी करना, वेल में आ जाना, अध्यक्ष और सभापति के आदेश व निर्देशों का पालन नहीं करना, इस तरह की स्थिति विपक्ष के घमंडिया गठबंधन ने पूरे सत्र के दौरान की। न तो उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा देश की जनता के जीवन को सरल व सुविधाजनक बनाने के लिए जो विधेयक पेश किए उन पर चर्चा की, न उन्होंने उन कानूनों के संबंध में जो वो प्रश्न संबंधित मंत्री माननीय गृह मंत्री जी से पूछ सकते थे ना ही वो प्रश्न पूछे। जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो प्रश्नकाल होता है उस प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया।
और किसी ना किसी तरह से उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि सदन नहीं चलना चाहिए। मणिपुर का उन्होंने विवाद बनाया, मणिपुर की हिंसा पे वो चर्चा करना चाहते थे। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व ही विपक्ष के इस घमंडिया गठबंधन को पत्र लिखकर कहा था कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार मणिपुर हिंसा पर किसी भी प्रकार की चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, परंतु विपक्ष की मंशा कुछ और ही थी।